जब आपका नसीब ही खराब हो, आप परेशानी से कितना भी दूर भागो, आप उसके करीब ही जा रहे हो। जेसिका की ये रोड ट्रिप एक वैसे दरिंदा साइकोपैथ की वजह से एक नाइटमेयर में बदल जाता है। क्या जेसिका सरवाइव कर पाएगा या नहीं? तो जी हाँ, बालक एंड बालिका को आज हम लोग एक सर्वाइविंग थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है एलोन। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है जेसिका। जेसिका अपने घर से कहीं जा रहे हैं अपने कार से। जेसिका के चेहरे पे हम लोग कुछ उदासी देखते हैं, जैसे कि वो काफी डिप्रेशन में है, क्योंकि जेसिका अभी अभी एक बहुत ही बड़ा सदमे से गुजरी है। इसकी वजह है उसकी हस्बैंड एरिक का मौत, जो कि 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन जेसिका अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। इसीलिए जेसिका को एंजाइटी अटैक आता है और इसके लिए वो दवाई भी ले रही है। जेसिका का ट्रीटमेंट भी चल रही है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का कुछ खास असर नहीं हो रही है उस पे। उसकी मेंटल हेल्थ अभी भी बहुत ही वीक है। जेसिका उसके हस्बैंड एरिक के एडो को बुला नहीं पा रही है, इसलिए जेसिका डिसाइड करती है वो अपने घर को छोड़ देगी और इस शहर को छोड़ के कहीं दूर जाके रहेगी, जहाँ उसको थोड़ी शांति मिल सके। अब जेसिका अपना सारा सामान लेके निकल पड़ती है शहर से बाहर। उसके अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए 4 दिन लगेंगे, लेकिन इससे पहले उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि उसकी पूरी लाइफ एक और बार उलझ जाती है। अब हम लोग जेसिका को एक हाईवे के पर देखते हैं, जहाँ पे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है जेसिका, और वो हाईवे काफी सुनसान होती है। लेकिन जेसिका उसके कार के पीछे एक काली गाड़ी को देखते हैं, जो काफी टाइम से उसको फॉलो कर रही है। वो ब्लैक कार उसके आगे आ जाता है और जेसिका की कार को आगे बढ़ने नहीं देती है, लेकिन जेसिका बहुत मुश्किल से गाड़ी को आगे निकलती है। लेकिन तब भी एक मोड़ आ जाती है जहाँ पे वो काली गाड़ी एकदम बिल्कुल साइड में आ जाती है, तब भी जेसिका की कार के सामने बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है। जेसिका जोर से चीख के बोलती है कि मुझे साइड दो गाड़ी निकलने के लिए, लेकिन वो बंदा उसके कार नहीं हटाता। अब जेसिका की कार का एक्सीडेंट होने ही वाला होता, लेकिन जेसिका अपनी आग बंद करके गाड़ी को मोड़ लेती है। यहाँ पे जेसिका की जान बहुत ही मुश्किल से बच जाती है, लेकिन वो काली गाड़ी अभी भी जेसिका के पीछे करती है। लेकिन कुछ आगे जाने के बाद जेसिका अपनी कार को रोक लेती है और वो देखते है कि वो कार आगे चला जाती है। ये देख के जेसिका थोड़ा राहत की सांस लेती है। तो यहाँ पे अब रात हो चुका है, जेसिका एक दिन का सफर पूरा कर चुका है। वो एक पेट्रोल पंप के पास रुकती है और अपने डैड को कॉल करती है और अपनी जर्नी के बारे में बताते है। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलता है कि जेसिका अपनी फैमिली फ्रेंड किसी को भी नहीं बताया उसके घर छोड़ने के बारे में। असल में वो किसी की बातों को फेस करने की हालत में नहीं होती है। जेसिका मूव ऑन करने के लिए ये फैसला लेती है, लेकिन ये फैसला उसकी जिंदगी में और कुछ दिक्कत तो नहीं लेने वाली है, क्योंकि जेसिका को वो काली कार फिर से दिखाई देती है और ये देख के जेसिका थोड़ी सी घबरा जाती है। अब गाड़ी में पेट्रोल भर के वहाँ से होटल की तरफ बढ़ती है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन जेसिका को एरिक की बहुत याद आती है। तो वो कुछ फोटोज देखती है उसके और एरिक के साथ, और ये फोटोज देख के वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो सो जाती है। अब अगली सुबह जेसिका फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है, लेकिन तब भी हम लोग देखते हैं एक आदमी उसके कार के शीशा को नॉक करता है और ये देख के जेसिका डर जाती है। और वो बंदा बाहर से कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? जेसिका कहते है कि नहीं, आप कौन? और वो बंदा कार की तरह इशारा करके कहता है कि ये मेरा कार है, और वो कार वही काली कार होता है। मतलब कि ये बंदा वही है जो इस कार को चला रहा होता है, जो जेसिका को शुरू से परेशान कर रहा है। जेसिका को कहता है कि मुझसे गलती हो गई, उस दिन तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया, मेरे लिए तुमको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और कहता है मैंने फोन पे बिजी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी कहता है। तो तब जेसिका भी उसको माफ कर देती है। फिर जेसिका अपने सफर की तरह निकल पड़ती है, लेकिन कुछ देर चलने पर फिर से उसको वही काली कार दिखाई देती है। हम लोग देखते है कि वो बंदा बीच रोड पे कार खड़ा कर रखा है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो सिर्फ जेसिका के लिए ही वेट कर रहा था। वो बंदा जेसिका को कहता है कि मेरा कार खराब हो चुका है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए लीव दे सकते हो? लेकिन जेसिका मना कर देती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस पर शक हो चुका था। मैं आगे जाके आपके लिए मदद भेजता हूँ, ये बोल के जेसिका वहां से निकल जाती है। जेसिका जब भी इस बंदे को देखती थी तो उसके चेहरे की रंग उड़ जाता था, क्योंकि ये बंदा बहुत ही अजीब था। अब जेसिका उसका सारा दिन का सफर तय कर लिया है। अब थोड़ा रेस्ट करने के लिए वो एक गेस्ट हाउस के बाहर रुकती है और अपनी कार से बाहर आके स्मोक करती है, लेकिन अब तीसरी बार वही काली कार को देखती है। ये देख के वो काफी परेशान और डर जाती है। वो तुरंत अपनी कार पे जाके बैठ जाती है, वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो बंदा उसके कार के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं वॉशरूम जा रहा था, तुम अपनी कार से मेरे को उड़ाने ही वाली थी, तुम्हारी दिक्कत क्या है? जेसिका इन सब सवालों का कुछ जवाब नहीं देता, अपनी कार लेके इस रात को ही निकल पड़ती है। जेसिका वो जहाँ से गुजर रही होती
वो हाईवे एकदम सुनसान था। अब वो देखता है कि वही कार उसका फॉलो कर रहा है। अब जेसिका तुरंत पुलिस को कॉल करती है, वही बंदा मेरा फॉलो कर रहा है कार से। अब पुलिस कहता है कि आप श्योर हो, आप कहाँ पे हो, अपना लोकेशन भेजो। अब जेसिका देखती है कि वो कार उसकी कार से आगे निकल जाता है। तो अब जेसिका थोड़ा रिलैक्स होकर पुलिस को कहता है कि नहीं, मेरा गलती थी, सब कुछ अभी सही है। लेकिन लगता है कि क्या जेसिका की किस्मत बहुत ही खराब है। कुछ दूर चलने पे उसका कार का टायर फट जाता है, उसकी कार रोकनी पड़ती है और मजबूरन उसको कार से निकलना पड़ती है। तो अब जेसिका करे तो क्या करे, एक तो उसकी इतना डर लग रही होती है और ऊपर से इतना रात है। वो कहता है ना दोस्तों, जिस चीज से तुम लोग डरोगे वो चीज आखिर में तुम्हारे साथ हो ही जाता है। और ऐसा ही होती है जेसिका के साथ। यहाँ पे फिर से वो काली कार आ जाता है और वो बंदा सीधा आके जेसिका की कार के शीशा को तोड़ देता है। वो बंदा जेसिका के साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि उस बंदे के पास एक इंजेक्शन है। वो बंदा जेसिका को इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। अब हम लोग अगले सीन में जेसिका को एक बेसमेंट पे देखते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो ये देख के काफी रोती है और वो उस बेसमेंट की खिड़की से काफी आवाज लगाती है और तभी उस बंदा उसके सामने आता है। अब जेसिका उस बंदे के सामने भीख मांगती है, कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उस आदमी एक क्रीपी सा फेस बना के उसको देखता रहता है और वो उसको कुछ बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। तो अब रात हो जाता है, जेसिका अभी भी उस बेसमेंट के अंदर ही है। अब वो आदमी बेसमेंट के अंदर आता है। जेसिका उस आदमी को देख के कहता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, तुमको जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं बाहर जाके किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन वो आदमी उसको देख के क्रीपी सा स्माइल देके और वो कहता है कि तुमको क्या लगता है, तुम यहाँ पे आई हुई और ये कहने वाली पहले लड़की हो। और वो आदमी कहता है कि जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार। जेसिका कहते है कि पहले मुझे बाथरूम यूज करनी है और वो आदमी मान जाता है और उसको जाने के लिए कहता है। जब जेसिका आगे बढ़ती है तब उस आदमी ने उसको पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, पीटता है उसको, बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार के नीचे फेंक देता है। फिर वो आदमी उसके साथ जमीन पे सो के जेसिका और एरिक की वीडियो उसको दिखाता है, जिस वीडियो पे जेसिका एरिक के साथ बहुत खुश दिख रही होती है। वो आदमी इस वीडियो को जेसिका को दिखा के कहते है कि तुम दोनों एक साथ में बहुत ही क्यूट लग रहे हो। ये कह के जेसिका को बहुत टाइट से पकड़ लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो आदमी जेसिका के साथ बहुत गलत काम करता है। अब हम लोगों को सुबह के सीन दिखाया जाता है। अभी भी जेसिका उस बेसमेंट के अंदर ही बंद हुआ है। जेसिका की आँख खुलती है, उसको बहुत ही दर्द हो रही होती है, लेकिन तब भी जेसिका उठ के इस बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। अब वो बेसमेंट की होल से बाहर देखता है, जहाँ पे उसको दिखाई देता है अभी उस बेसमेंट पे कोई भी नहीं है और उस दरवाजे की चाबी उसी दरवाजे के बाहर लगी हुई है। वो तुरंत अपनी जैकेट निकाल के उस दरवाजे के बाहर बिछा देती है और जोर जोर से दरवाजे को धक्का देती है, जिससे उस लॉक का चाबी थोड़ा नीचे आ जाता है। लेकिन तब भी उस चाबी को निकालने के लिए कुछ जरूरत होता है। अब वो चाबी निकालने के लिए उसी बेसमेंट से एक हुक निकलता है। बहुत कोशिश के बाद वो हुक निकल जाता है और थोड़ी देर में ही उस दरवाजा का लॉक खोल लेती है जेसिका, जिससे जेसिका उस बेसमेंट से ऊपर जाने लगती है। तभी वो देखता है कि वो आदमी घर के तरह आ रहा होता है। ये देख के जेसिका तुरंत गेट के पीछे छुप जाती है। तो जब वो आदमी घर पे आता है तब जेसिका और हम लोगों को पता चलता है कि ये आदमी शादीशुदा है और ये आदमी का बच्चा भी है। वो अपनी फैमिली से बिजनेस ट्रिप के बारे में बोल के यहाँ पे आके अकेले एक अलग ही लाइफ जी रहा होता है और मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। क्या पता ये आदमी कितने मासूम लड़कियों के साथ ऐसा कर रखा है। जेसिका उस दरवाजे के पीछे से छुप के सारी बात सुन रही होती है। तो जब वो आदमी अपना बात खत्म करके बेसमेंट की ओर जाता है, अब मौका देके जेसिका भागना शुरू कर देती है। लेकिन अफसोस वो आदमी ये देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागना लगता है। जेसिका वो जंगल में अपनी पूरे जोर लगा के भागती है ताकि अपना जान बचा सके। लेकिन तभी उसके प्यार में एक लकड़ी घुस जाती है जिससे उसको काफी दर्द होता है। लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी है, वो उस लकड़ी को निकलती है, फिर से दौड़ना चालू कर देती है। इन सब में वो आदमी उसके काफी करीब आ जाता है और आप जेसिका के सामने एक काफी तेज बहती हुई नदी है जिसमें कोई गलती से भी अगर बह गया वो कहाँ जाके निकलेगा उसको खुद को भी नहीं पता। जेसिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो इस बहती हुई नदी में अगर नहीं कूदेगी तो ये बंदा उसको मार देगा। इसीलिए जेसिका इस नदी में कूद जाती है और बहने लगती है। वो आदमी खड़ा होकर ऐसे ही देखते रहता है। अब जेसिका काफी मुश्किलों से उस नदी का सामना करके और जैसे तैसे करके किनारों पे पहुंच जाती है, लेकिन उससे अब बिल्कुल भी चला नहीं जाता, वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है। वो एक लकड़ी का सहारा लेके धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है कि वही बंदा यहाँ पे आ चुका है, तो वो छुप जाता है। और जब वो बंदा उसके करीब आ जाता है वो छुप के अपना लकड़ी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये आदमी वो साइको
साइकोपैथ किलर नहीं होता है, ये एक शिकारी था जो इस जंगल पे शिकार करने आया था। अब ये देख के जेसिका दो हाथ जोड़ के उस आदमी को कहता है कि प्लीज मुझे हेल्प करो। ये सब देख के उस बुरे आदमी को कुछ समझ नहीं आता। अब जेसिका कहते है कि मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाया गया है और वो आदमी मुझे मारना चाहता है, प्लीज मेरा हेल्प करो, प्लीज मुझे पुलिस पे कॉल करने दो। जब वो आदमी अपना फोन देता है जेसिका को, तब वो देखता है वो फोन टूटा हुआ है। जब जेसिका इस आदमी के ऊपर हमला किया था तब ये फोन टूट चुका था। ये देख के जेसिका बहुत जोर से रो पड़ती है। अब ये बुरा आदमी जेसिका की मदद करता है, उसको पहनने के लिए शूज देता है और उसके कार पे बैठा के ले जा रहा होता है ताकि जेसिका की मदद कर सके। वो जेसिका को कुछ खाने भी देता है ताकि उसकी हालत कुछ सुधर सके। अब ये थोड़ी देर गाड़ी पे चलता है लेकिन तभी उसके सामने एक टूटा हुआ पैर मिलता है। इसके वजह से ये कार सामने नहीं जा सकते। ये देख के जेसिका को समझ आ जाता है इस ट्रैप को कहीं ना कहीं उसे आदमी ने लगाया है ताकि इस जंगल से कोई निकल ना पाए। इसीलिए जेसिका उस कार से निकल के इस पैर को हटाने की कोशिश करता है। साथ में इस बुरा आदमी रॉबर्ट वो भी जेसिका की मदद करता है लेकिन तब भी वही काली जीप लेकर उस बंदा यहाँ पे आ जाता है। जेसिका कहता है कि यही वो आदमी है जो मुझे मारना चाहता है, जो मुझे किडनैप करके यहाँ पे लाया है, प्लीज मुझे बचा लो। तो वो आदमी रॉबर्ट को कहता है कि ये मेरा सिस्टर है और उसकी मेंटली प्रॉब्लम है, इसको मेरा हवाले कर दो और इसका हर बार का ये ड्रामा। अब जेसिका कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं इसका कोई सिस्टर नहीं हूँ, ये मुझे किडनैप करके यहाँ पे लाया है। अब रॉबर्ट इस आदमी के ऊपर भरोसा करता है और इस आदमी को ले जाने देता है लेकिन तब रॉबर्ट देखता है कि ये आदमी जेसिका के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो अब रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि जेसिका के साथ कुछ गलत हुआ है और रॉबर्ट कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो। इसी बीच दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है और वो आदमी रॉबर्ट को रॉबर्ट के ही गन से मार देता है। जेसिका इस चीज का फायदा उठा के यहाँ से भाग जाती है और धीरे धीरे करके अंधेरा होना शुरू होता है और काफी तेज बारिश भी होना शुरू हो जाती है। वो आदमी अभी भी जेसिका के पीछे पड़ा हुआ था। जेसिका भागते भागते चट्टान के बीच में छुप जाती है लेकिन ये आदमी यहाँ पर भी पहुंच जाता है क्योंकि ये आदमी काफी सालों से इस जंगल पे रह रहा होता है। तो इस आदमी को इस जंगल के बारे में सब कुछ पता है कि कोई कहाँ छुप सकता है। ऐसी सिचुएशन पहले भी इस आदमी के साथ हुई होगी, इसलिए इस आदमी जेसिका को बार बार ढूंढ पा रहा था। इस बार तो इस आदमी के पास बंदूक भी था और तब भी वो जेसिका को देख लेता है और वो जेसिका के ऊपर काफी सारे गोलियां चलाता है और एक गोली जेसिका के शोल्डर पे लग भी जाता है। लेकिन जेसिका भी हार मानने वालों में से नहीं है, वो घसीटते घसीटते चलने लगती है और जंगल में छुप जाती है और अंधेरे की वजह से वो आदमी जेसिका को नहीं देख पाता और जेसिका वहीं पे लेट जाती है। लेकिन वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा रहता है और वो आदमी जेसिका को कहता है कि तुमको गोलियां लगी है, अगर तुम यहाँ पे रहोगे वैसे भी तुम मरी जाओगे, इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी गोली निकल के तुम्हारा बैंडेज कर दूंगा, मैं तुमको बचा लूंगा। लेकिन जेसिका बाहर नहीं आता है। ये देखे उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जेसिका को टाने देना लगता है, कहता है कि तुम्हारे वजह से ही तुम्हारे हस्बैंड सुसाइड किया है, तुम जहाँ पे जाते हो वहाँ पे सब कुछ खत्म कर देते हो। लेकिन जेसिका उसके बातों में नहीं आती है। अब ये आदमी हार मान जाता है और वापस अपने घर पे चला जाता है। अगली सुबह जेसिका फिर से चलना शुरू करता है। जब वो कुछ देर चल के सामने बढ़ने लगती है उसको वही काली जीप दिखाई देती है और देखता है कि वो आदमी उस रॉबर्ट के लाश को इस जंगल में दफना रहा होता है। जेसिका मौका देख के उस कार से भागना चाहती है लेकिन उस कार की चाबी वहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन उसको उस आदमी का मोबाइल मिल जाता है और तभी वो आदमी कार की ओर आने लगता है और जेसिका को मजबूरन उस कार पे ही छुपना पड़ती है और वो आदमी आके कार स्टार्ट कर देता है। उस देर चलने के बाद जेसिका हिम्मत करके पुलिस को कॉल करती है और धीरे धीरे कहता है कि एक आदमी मुझे मारना चाहता है और जल्दी से उसकी ये नंबर ट्रेस कर लो और फिर कॉल को कट कर देती है। और जेसिका को उस कार पे ही एक रॉड दिख जाता है और वो छुप के उस रॉड को उसके पास रख लेती है। इससे उस आदमी को कुछ शक होना शुरू हो जाता है तो वो अपना मोबाइल ढूंढने लगता है और उसको समझ आ जाता है कि पीछे कोई ना कोई है और जेसिका अचानक से ही उस रॉड से इस आदमी के ऊपर हमला कर देती है जिससे उस आदमी से इसका डिसबैलेंस हो जाता है और आगे जाके पलट जाता है, जिसके वजह से जेसिका और वो आदमी दोनों को ही चोटें आता है। और जेसिका तुरंत उठ के उस आदमी का फोन लेके भागना चालू कर देती है और एक मैदान पे पहुंच जाता है जिसके सामने कोई भी रास्ता नहीं रहता और पीछे पीछे वो आदमी भी आने लगता है। अब जेसिका उस आदमी के फोन से उसकी बीवी को कॉल कर देती है और कहती है तुम्हारे हस्बैंड के बारे में तुमको कुछ पता है क्या, तुम्हारे हस्बैंड अभी कहाँ पर है। उसकी वाइफ कहती है कि वो अभी एक बिजनेस ट्रिप पे गई हुई है। अब जेसिका कहता है कि तुमको कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारे हस्बैंड एक किडनैपर है, एक साइकोपैथ है और एक मर्डरर है, वो मुझे किडनैप किया है और मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, वो यहाँ पे लड़कियों को किडनैप करके लाता है और उन लोगों के साथ गलत करके उन लोगों को मार देता है। ये सब सुन के उसके वाइफ को यकीन नहीं होता है और कहती है कि मेरे सैम से बात कराओ, एक्चुअली इस आदमी का नाम सैम होता है। ये सब देख के सैम बहुत ही
ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको गुस्से में कहता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये कह के जेसिका के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जेसिका इसके लिए तैयार थी और इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा वाला फाइट होता है। सैम जेसिका को बहुत पीटती है, लेकिन जेसिका समय देख के वो रॉड जेसिका सैम के सीने के अंदर घुसा देती है और वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता वही अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद फाइनली जेसिका को राहत मिलती है और जेसिका ऊपर की तरह देखती है। वहाँ पे एक रेस्क्यू चॉपर आ चुका था, ये पुलिस का चॉपर था उसको बचाने के लिए, और इस सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो जी हाँ भलक एन बाली को इस मूवी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टडा।